सो गाइज गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। तो आज की वीडियो जो है कुछ हटके होने वाले हैं। जैसे कि हमने बोला था कि हम जो है अगले मंथ में यानी कि इस मंथ में कैमरा बाय करने वाले हैं, ठीक है। तो आज वो दिन आ चुका है जब हम कैमरा बाय करने जाने वाले हैं, और वो भी अपने राजधानी पटना में, क्योंकि हम गांव देहात में रहते हैं तो हमारे तरफ जो है कैमरा का शॉप नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें वहाँ जाना पड़ेगा। उसके लिए हम गाड़ी मंगवाए हैं और गाड़ी आने वाली है कुछ देरों में। इस वीडियो में कुछ अलग चीज़ें आप सभी को देखने को मिलेगी गाइज, और हमारे साथ चलेगा हमारा छोटा भाई जिसे आप सभी शायद पहचानते होंगे। तो चलिए आपको उससे मिलाते हैं। तो ये रहा दोस्तों मेरा छोटा भाई, जो कि ब्लॉग में हमारा साथ देगा और हमारे साथ कैमरा खरीदने भी चलेगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। ये लोग तो कोई हमको पहचान भी नहीं कर रहा है। पहचानते हैं आप, कैसे बताएंगे। कमेंट कीजिएगा गाइस यदि आप इसे पहचानते हो गए तो, ठीक है। मेरा नाम दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा, मजा आ जाएगा। चलिए फिलहाल ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो हमारी गाड़ी है वो हमारे गांव के गेट पर आकर लग चुकी है, तो चलिए चलते हैं। चलो दोस्तों, तो फाइनली हमारी गाड़ी आ चुकी है, और जो हमारी गाड़ी है स्टार्ट हो गई है पटना जाने के लिए। देख सकते हैं बाहर का लुक। तो सुबह के 5 बज चुके हैं और हमारी गाड़ी देखिए यहाँ पर लग चुकी है। अमित भैया वहीं पर हैं और गाड़ी में अभी डीजल भराएगा, तो थोड़ा सा पैसा खर्च करने का टाइम आ चुका है। तो फाइनली दोस्तों देखिए अभी हम लोग आरा से थोड़ा सा आगे आ चुके हैं और गाड़ी को वहाँ लगाकर चाय पी रहे हैं। अभी टाइम जो है 7 बज रहे हैं और अभी भी यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर होगा। चलिए चलते हैं वहाँ पर। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पटना पहुँच चुके हैं। देखिए अभी जंक्शन पर आए हुए हैं और इधर बजरंग बली का आशीर्वाद ले लेते हैं। इधर दोस्तों बजरंग बली का आशीर्वाद लेने के लिए हम आ चुके हैं, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं हुआ है, कैमरा शॉप भी नहीं खुला होगा। तब तक चलते हैं महावीर मंदिर में घूमेंगे और थोड़ा आशीर्वाद आशीर्वाद लेकर फिर चलते हैं कैमरा खरीदने। फाइनली दोस्तों हम लोग कैमरा शॉप पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए अमित भैया वहां पर हैं और ये हमारे दोस्त हैं संतुन भाई, ये पटना में मिले, इनको भी बुला लिया है, पटना में ही रहते हैं। और अभी सबसे कैमरा वैमरा हम लोग चेक कर रहे हैं, फाइनली लेने के बाद आप लोगों को फिर से एक बार दिखाते हैं वीडियो में। तो दोस्तों हम आ चुके अपने घर पे कैमरा बाय करने के बाद, और हमने सोचा था कि एक अच्छा ब्लॉग वीडियो हम बना पाएंगे कैमरा बाय करते टाइम, लेकिन गाइज नहीं बन पाया, जिसका कि रीज़न है कि हमारे गांव से पटना जो है काफ़ी दूर है, लगभग 200 किलोमीटर पड़ जाता है, जिसे जाने में गाइज हमें 5 घंटे का जो है ट्रैवल करना पड़ा। और उसके बाद जब वहाँ पर गए हम, मन नहीं कर रहा था कि हम कोई वीडियो रिकॉर्ड करें, और उसके बाद कैमरा शॉप पर गए तो वहाँ पर जाते टाइम में जो है बहुत काफ़ी लोग थे, लेकिन बाद में कुछ लोग हट गए, तो थोड़ा सा एक क्लिप लिए और जो लिए वो आपको दिखा दिए हैं वीडियो में। कैमरा बाय करने के बाद और भी कुछ काम थे वो हमने काम किया, और उसके बाद चिड़ियाघर भी थोड़ा सा घूमे। उसके बाद इतना करते करते शाम हो गया, शाम को हम लोग वहाँ से निकले, तो शाम को निकले तो लगभग 10 बजे हम अपने गांव पे आए गए, ठीक है। शाम को 5 बजे वहाँ से हम लोग निकले थे और उसके बाद 10 बजे हम अपने गाँव पे पहुंचे। अब जाके हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कैमरे को हम अभी अनबॉक्स करके आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या मिलता है, साथ में हमने एक्स्ट्रा क्या बाय किया है और भी एक एक्स्ट्रा चीज बाय किया है इसके बारे में हम आपको दिखाने वाले हैं, और टोटल कितना प्राइस पड़ गया इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ये इसे अब हम फाइनल ओपन करते हैं। तो यहाँ पे जो है एक स्टिकर लगा होता है कैनन का ब्रांडिंग का लोगो के साथ, जिसे कि चिपकाया रहता है इस डब्बे को, ठीक है। और उसे कट करने के बाद जो है हम इसे ओपन कर सकते हैं, इस तरह से ओपन नहीं कर सकते। तो जब भी आप कैमरा बाय करने जाएँ तो इस बात का जरूर ध्यान रखें और देख लें कि अच्छे से यहाँ पर हॉलमार्क चिपकाया गया है कि नहीं चिपकाया गया, और उस वक्त आपको कट करना होता है। तो ये पहले से ही शॉप पे ओपन हो चुका है, ये अब हम इसे फिर से ओपन करते हैं। सब चीज़ों को हमने फिर से इसमें पैक कर दिया है, तो इसे हम ओपन करेंगे और आपको दिखाते हैं एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस तरह का एक कैनन का देखने को एक ब्रांडिंग मिल जाएगा, जैसे कि इस तरह से, इसको समझ में नहीं आता किस लिए है। और ये एक बुक मिलेगा जिसमें आपको बताया गया है कैमरा यूज़ करने का, और यहाँ पे लैंग्वेज भी दिया गया जिसमें कि हम इंग्लिश को रीड कर सकते हैं, बाकी सारे लैंग्वेज को हम रीड नहीं कर सकते। और उसके बाद इस झिल्ली में हमने बिल पेपर को रखा हुआ है और वारंटी कार्ड भी है इसी में। और उसके बाद एक लोगो मिलता है कैनन का, आप सभी देख सकते हो वारंटी कार्ड कुछ इस तरह का होता है, 2 साल का इसका वारंटी है। और यहाँ पर इसे साइड में करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या क्या हमें कैमरे में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसे कैमरे को ओपन कर दिया हमने और आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक मिल जाएगा कुछ ऐसा पहले से हमने ओपन करके रखा हुआ है। तो चलिए सबको निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में हम आपको बताते हैं इसमें क्या क्या है। एक कैनन का फीता है, ठीक है, जिसे हम कैमरे के सेफ्टी के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या मिलेगा देखने को, तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो है ये है बैटरी चार्जर, ठीक है, बैटरी का चार्जर है कैनन का,
इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। बैटरी चार्जर के साथ आपको एक केबल मिल जाता है जिससे कि हम लाइन कनेक्शन इसके साथ करेंगे, और यहाँ पे बैटरी भी देखने को आपको मिल रहा है। इस तरह का बैटरी है, 1000 mAh का ये बैटरी है कैनन का। अब बारी आती है कैमरे की, ठीक है, तो कैमरे को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये देख सकते हो आप सभी, कैमरा कुछ इस तरह से पैक रहता है झिल्ली में। हमने तो इसे पहले से ओपन कर दिया है तो इसलिए अच्छे से पैक नहीं है। आपको देखने को मिल रहा है ये है कैमरा कैनन का, ठीक है। इधर से हम आपको दिखा देते हैं, इस तरह से देख सकते हो आप सभी, यही कैमरा हम बाय किए हैं कैनन का 200D। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा शायद ब्रांडिंग में। चलिए फिलहाल दोस्तों अभी इसे यहाँ पे रखते हैं और उसके बाद इसको निकालते हैं, जो इसके साथ एक किट लेंस आता है इसके साथ में ही। तो ये जितना भी चीज़ें हमने यहाँ पे इस डब्बे में से निकाली हो सब इस कैमरे के साथ ही मिलता है, ठीक है, अलग से हमें परचेज नहीं करना पड़ता। यह है किट लेंस जो हमें इस कैमरे के साथ यूज़ करना है, 18-55 mm का किट लेंस है। और इस किट लेंस को अभी चारों तरफ से पैक किया गया, इधर से हम इसे ओपन कर सकते हैं, इधर से हम इसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़ें जो है हमारे कैमरे के साथ में आती है, इसको अभी हम साइड में रखते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये रहा कैमरा और ये रहा किट लेंस, मेन इसी का काम है हमें एक अच्छा वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद बैटरी का भी हमें ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, तो हमने अलग से भी बैटरी ली है जो कि बैटरी हमने ऑलरेडी इसमें डाला हुआ है। और ये है कैनन का ओरिजिनल बैटरी जो कि हमने अभी निकाला हुआ है इसको, ठीक है, ये चार्ज नहीं था, हमने एक अलग से लिया है बैटरी क्योंकि हमें ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड करना होगा, तो हमने एक एक्स्ट्रा बैटरी लिया है और साथ में एक मेमोरी कार्ड भी लिया है। तो अब हम आपको वो सब चीज़ें दिखाते हैं जो कुछ भी अभी हमने आपको दिखाया अभी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, ठीक है। ये सब कैमरे के साथ में आता है, इसका प्राइस एक अलग होता है। अब इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हमें बाय करनी पड़ी वो हम आपको दिखाते हैं। तो ये है एक ट्राईपोड जो कि आप सभी को देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये ट्राईपोड है, एक अच्छा सा हमें ट्राईपोड लगा जो कि हमने उसी शॉप से ख़रीदा जहाँ से हमने इस कैमरे को बाय किया, ठीक है। तो इसका हम अनबॉक्सिंग यदि आप सभी बोलोगे तो एक अनबॉक्सिंग वीडियो बना देंगे जिसमें कि आप सभी देख सकते हो। काफ़ी लंबा ये ट्राईपोड है, अच्छा लगा हमें इसलिए बाय किया कैमरे को यूज़ करने के लिए, क्योंकि हमारे पास ट्राईपोड है लेकिन उस पर रिंग लाइट रखा हुआ है तो हमें एक ट्राईपोड चाहिए, तो इसलिए कैमरे के साथ में यूज़ करने के लिए हमें इस ट्राईपोड को लेना जरूरी था, तो इसलिए इसे भी बाय किया। आप सभी बोलोगे तो हम आपके लिए एक अनबॉक्सिंग वीडियो जरूर बना सकते हैं, ठीक है, तो इसे हम साइड में रखते हैं। और बात आप सभी देख सकते हो, ये कैरी बैग जो है कैमरे के सेफ्टी के लिए हमने बाय किया जिसमें कि हम कैमरे को रख कर कहीं भी ले जा सकते हैं और ले आ सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम ओपन करते हैं, इसमें भी कुछ चीज़ें बाय करके हमने रखी हुई है जो कि एक्स्ट्रा हमने बाय किया है, जैसे कि मेमोरी कार्ड हमने आपको बताया, तो ये वाला मेमोरी कार्ड जिसमें कि 64 GB स्टोरेज है, तो इसे ही हमने बाय किया और इसे हमने कैमरे में अभी डाल कर रखा हुआ है, ठीक है। ये अभी खाली है, इसमें कुछ नहीं है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, हमने यूज़ कर लिया इसे, तो ये बाय करना पड़ा हमें अलग से। और उसके बाद इसे आप देख सकते, इसमें एक शीशा था जो कि हमने यूज़ कर लिया है किट लेंस में, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा इस गोल राउंड में एक शीशा था जो कि हमने यूज़ कर लिया है इस किट लेंस में। किट लेंस में कहाँ यूज़ किया है अभी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे किट लेंस के कवर को हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है जो यहाँ पे ऊपर का शीशा जो है इसमें था, ठीक है, तो ये शीशा हमने अलग से बाय, ग्लास जो हमने लेंस के सेफ्टी के लिए बाय किया है ताकि जो भी धूल कण यहाँ पे इस कैमरे पे पड़े इसे को आराम से क्लीन कर सकते हैं, और कोई भी खराबी होगी तो इस शीशे पर आएगी जिसे कि हम बाद में चेंज कर सकते हैं। और क्या है इस बैग में, तो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, जो हमने बोला था कि अलग से एक बैटरी हमने परचेज किया जो कि हमने कैमरे में अभी यूज़ किया है, ठीक है, इसमें नहीं है तो हमने इसमें से निकाल दिया है, ठीक है, तो ये अलग से हमने परचेज किया। और कुछ भी बचा है क्या यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, एक और चीज़ें बचा है जैसे कि आप सभी को देखने को मिल रहा होगा, ये भी एक चार्जर है, ठीक है, ये बैटरी चार्जर है जो कि हमने अलग से बैटरी लिया तो इसका एक अलग से चार्जर भी लिया इसको चार्ज करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उस चार्जर से शायद ये बैटरी चार्ज नहीं हो सकती ऐसा दुकानदार का कहना था, तो इसलिए हमें अलग से इसका एक चार्जर लेना पड़ा। एक एक्स्ट्रा बैटरी के लिए हमें एक एक्स्ट्रा चार्जर लेना पड़ा। अब इस बैग में कुछ भी नहीं है गाइस, जैसे कि आप सभी को देखने को मिल रहा है, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देख सकते हो आप सभी, अब इस बैग में कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमने बाय की है, और ये टोटल का बात करें कि कितना प्राइस पड़ गया गाइज हमें यहाँ पे इसे बाय करने में, तो टोटल प्राइस बताते हैं, लगभग 70,000 रुपये हमें इसमें खर्च करने पड़े तब जाकर हमने ये सारी चीज़ें बाय कर पाए, ठीक है। कैमरा पड़ गया हमें लगभग 60,000 रुपये का, और उसके बाद 10,000 रुपये का जो एक्स्ट्रा सामान हमने बाय किया है, तो टोटल जो है 70,000 रुपये आज खर्च हो चुके हैं इस सबको बाय करने में गाइज, ठीक है। तो ये सब जो भी हो पाया गाइज आप सभी के प्यार एंड सपोर्ट की वजह से हो पाया है, ठीक है। हम तो मेहनत करते हैं लेकिन आपका प्यार एंड सपोर्ट इतना मिलता है जिसकी वजह से कि आज हम इतने रुपये पहली बार खर्च किए हैं खुद से कमा के गाइज, ठीक है। काफ़ी अच्छा फील होता है गाइज जब हम खुद से मेहनत करके और अर्निंग करके कोई अपना सपना पूरा करते हैं, जैसे कि कैमरा बाय करना कोई एक सपने से कम नहीं है गाइस, ठीक है।
अपने से खुद से कमा के गाइज हमने ये कैमरा बाय किया, तो हमारा एक सपना भी पूरा हो चुका है, क्योंकि हमारे पास वीडियो शूट करने के लिए कोई अच्छा सा कैमरा नहीं है, ना ही कोई अच्छा सा स्मार्टफोन है। लेकिन अब गाइज हमारे पास भी ये कैमरा है, जिससे कि हम आप सभी को अच्छी अच्छी वीडियो अपने चैनल पर दे सकते हैं। बस दोस्तों, आप सभी को दिल से शुक्रिया जो हमें सपोर्ट करते हैं, अपने भाई को सपोर्ट करते हैं। आज आपके प्यार एंड सपोर्ट की वजह से हम अपने एक सपने को पूरा कर पाए गाइज, ठीक है। और हमने जब शुरुआत में वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, तो सिर्फ हमारे पास एक मोबाइल था, और उसके बाद मोबाइल से वीडियो बनाने के लिए कैसे हम मोबाइल को कहाँ पे रखते थे, तो एक हमने सेल्फी स्टिक नहीं मिलता है, जो कि मिलता है लगभग 500 के अंदर सेल्फी स्टिक हमें मिल जाते हैं, तो वो हमने बाय किया था, ठीक है। तो उस सेल्फी स्टिक से हम वीडियो बनाते थे। उसके बाद जो हमने एक ट्राइपॉड बाय किया, तो सबसे छोटा वाला ट्राइपॉड हमने बाय किया, जो कि 500 के अंदर आता था वो भी, तो उसे हमने एक साल यूज़ किया। उसके बाद जब हम एक साल उसे यूज़ किए, उसके बाद हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ, फिर कुछ अर्निंग होना शुरू हुई, तो फिर हमने जो है एक और ट्राइपॉड और रिंग लाइट साथ में खरीदा, जिससे कि अभी हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका कि हमने वीडियो डाला था अपने चैनल पे, और आज जाकर फिर से एक ट्राइपॉड खरीदा। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है हम अच्छी चीज़ों को खरीदते जाते हैं, जैसे जैसे हम अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारी नॉलेज बड़ी होती जाएगी, तो हम अच्छी अच्छी चीज़ों को बाय करेंगे और कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कैमरा बाय कर लीजिए, आप ये वाला ट्राइपॉड बाय कर लीजिए, ठीक है, ये बाय कोई भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन अपने से खुद से मेहनत करके बाय करने में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, काफी अच्छा फील होता है गाइस जब हम खुद से ये सब कर पाते हैं। तो बस गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे भी आप सभी अपने भाई पे इतना ही प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। हम आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो अपने चैनल पे प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं गाइस, आपकी कोई राय है तो वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं गाइस, क्योंकि आप सभी का सारा कमेंट्स हम रीड करते हैं। और एक चीज है, जैसे कि आप सभी बोल रहे हो कि भाई इस कैमरे का यूज करके आपने नहीं दिखाया किस तरह का इसका क्वालिटी है, तो हम आपको दिखाएंगे गाइस आगे आने वाले वीडियो में, ठीक है। आप सभी बोलो या फिर नहीं बोलोगे, इसमें कि हम इसका पूरा अच्छे से रिव्यू करेंगे और इसका इमेज क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी सब कुछ आपको अच्छे से दिखाएंगे, ठीक है। तो बस आपको एक कमेंट करने की जरूरत है। चलिए अभी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं गाइज, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।